हेलो गाइस, दिस इज नेहा एंड वाचिंग गूगल बॉलीवुड। अब भाई वीकेंड के वार के बाद जो है बिग बॉस 14 के घर का हाल कुछ ऐसा है कि नॉमिनेशन की प्रक्रिया है ना वो दोबारा से शुरू हो गई है। अब देखना ये है कि घर से बाहर कौन जाता है, लेकिन इस बार भी हर हफ्ते की तरह सदस्यों को खुद ही चूज करना है कि घर से बाहर कौन जाएगा, और जिसके चलते घर में साजिशें होंगी और तनाव का माहौल जो है वो देखने को मिल जाएगा। आपको बता दें कि अभी जो है रुबीना ने अपने पति को चुप करवा दिया, क्योंकि अभिनव जो है वो कहीं ना कहीं अभी भी जैस्मीन पर भरोसा करते हैं, जो बात रुबीना को खटकती है और इस पर उनका तनाव जो है वो पिछले कुछ हफ्तों से देखा भी जा रहा है। और अभी जो है रुबीना अपने पति को बिल्कुल चुप करवाने वाली है, यानी कि आपसी सहमति से घर से बाहर अभी जाना है, घर वालों को ही चूज करना है कि घर से बाहर कौन जाएगा, इस पर दोनों के बीच तनाव देखने को मिलेगा। साथ ही आपको बता दें कि राहुल वैद्य जो है वो एजाज खान को बाहर जाने को कहेंगे, यानी कि वो उन्हें घर में नहीं देखना चाहते, और एजाज खान जो है वो कहते हुए नजर आने वाले हैं कि अभिनव तेरा बहुत हो गया, अब आराम से खेलना, अब तू जो है वो घर से बाहर जाए, यानी कि वो उन्हें घर में नहीं देखना चाहते। इसी तरह एक तोते वाला टास्क जो है घर पे होने वाला है कि किसका तोता जो है पिंजरे में कैद होगा, ये देखने वाली बात है। साथ ही आपको बता दें कि घर की जो कैप्टन है वो बन गई है कविता कौशिक, और सभी ने अपनी अपनी राय रखी कि कौन घर से बाहर जाने वाला है और कौन नहीं। जैस्मीन और पवित्र पुनिया के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा मतभेद जो है देखा गया, काफ़ी ज़्यादा वो एक दूसरे से एग्रेसिव होकर बात कर रहे हैं ना, मतलब चिड़े हुए हैं एक दूसरे से लोग। अब देखना ये कि घर से बाहर कौन जाएगा। साथ ही आपको बता दूं कि कविता कौशिक जो है वो है घर की कैप्टन, जिनके पास सारी पावर्स है इस वक्त, और किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि वो जो है इस नॉमिनेशन की प्रक्रिया से किसी एक कंटेस्टेंट को बचाएगी, वो कौन होगा। तो बता दूं वो होने वाले हैं एजाज खान। ये सबसे बड़ी न्यूज़ है बिग बॉस के घर की। अब देखना ये है कि आगे क्या होता है। इसी के साथ मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत बॉलीवुड की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। देखते रहिए गूगल बॉलीवुड।